यूरेका के बारे में सवाल है। यूरेका पॉप सिस्टम्स, मांडवी देवी जी को समझना है कि क्या इसमें निवेश के लिए एंट्री लेवल चुना जाए, कहाँ पे पैसा लगाया जाए तो ठीक रहेगा। यूरेका फोर्ब्स, बहुत ही महंगा है, अभी बहुत ज्यादा महंगा है, किसी भी पैरामीटर पे बहुत महंगा है। देखिए, यूरेका फोर्ब्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने सेल्स ठीक ठाक इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, प्रॉफिट भी अच्छा, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है, इसीलिए इतना हाई प्रीमियम वैल्यूएशन इसको मिल रहा है। लेकिन ऑन एनी पैरामीटर यूरेका फोर्ब्स बहुत महंगा है। तो अभी तो ठीक ठाक होना शुरू हुआ है, वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है इसमें कुछ भी सोचने के पहले। दो पॉइंट यहाँ पे मेरा रहेगा, पहला कि रिजल्ट के पहले कुछ इसमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक हल्का सा इंडिकेशन स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन का है। अब वो कहाँ तक लेके जाएगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 350-450 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, कितना भी लेके जाएगा। तो रिजल्ट के पहले इसको टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह का डिमांड क्रिएट हुआ था इसमें, उसके बाद इतनी सप्लाई नहीं आनी चाहिए थी। ये कुछ दिन में सप्लाई आई है, कोई ना कोई ब्लॉक गया है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए रिजल्ट का, उसके बाद डिसीजन लीजिए। एनीवेज, अगर कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए मेरा जवाब यही है कि इसका मेन ब्रेकडाउन 515 के डबल टॉपिश स्ट्रक्चर से हुआ है। अगर वो निकलता है, आप मान सकते हैं कि बॉटम जहाँ पे भी है वो बन गया, उसका सहारा लीजिए और फिर जो भी खरीदना है खरीदिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है, बहुत महंगा स्टॉक। जी, लगभग 94 के आसपास का इसका प्राइस मल्टीपल चल रहा है। हालांकि उसके पीछे कारण शायद ये भी हो सकता है कि इससे पहले काफी समय तक कंपनी घाटे में रही, उसके बाद उससे उभरने की कोशिश कर रही है, तो शायद अभी जो इसका मुनाफा दिख रहा है वो इसकी पोटेंशियल के हिसाब से काफी छोटा हो, और इसलिए ये वैल्यूएशन अगर सिर्फ पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ के पैरामीटर पे आप इसका पीई देखें तो बहुत ज्यादा ऊंचा लग रहा हो। नहीं राजेश जी, मैं तो इसको बिल्कुल ही कहीं से ट्रैक नहीं करता, लेकिन मार्च 22 से जो नंबर दिख रहे हैं इसके, या तो कुछ मर्जर एक्विजिशन है, कुछ तो ज़रूर हुआ है, बिकॉज अचानक से इतना सेल्स क्यों बढ़ा है मुझे नहीं मालूम, वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। कुछ तो ज़रूर कंपनी ने किया होगा, क्या किया है मुझे नहीं मालूम है। तो कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं इसके बाद, जो भी करना चाहते हैं अच्छे से पढ़े लिखे समझे, तब करे एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से समझे पढ़े लिखे। मेरा मेरे मेरे हिसाब से वैल्यूएशन मुझे जस्टिफाई नहीं करेंगे कि इसको मैं पहले फिल्टर पे डालूं। फर्स्ट फिल्टर मतलब जिसके बाद मैं स्टॉक की रीडिंग शुरू करता हूं, तो ये मेरे फर्स्ट फिल्टर पे भी नहीं आएगा, इसलिए स्टॉक को रीड करने में भी अभी शुरुआत नहीं कर सकता। जी,